यार बजट तो एक आम बजट है। इसमें मुझे नहीं लगता कि साधारण लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए कुछ इन्होंने राहत दी। कल जो बजट आया है इसके अंदर हमको जो समाचार में सुनने के लिए मिला कुछ छूट नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से बजट को पेश किया गया, जिन जिन पॉइंटों पे ध्यान दिया गया, उन पॉइंटों पे देख के हमको ऐसा लगता है कि देश का विकास का ध्यान रखा है कि देश का विकास कैसे करना है, छूट नहीं देना है। काफ़ी उम्मीद थी, जैसे कि यूपी के इलेक्शन थे, पंजाब के इलेक्शन थे, तो हमें लग रहा था कि कुछ सरकार रिबेट देगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। किचन में आप जब हम लोग घुसते हैं तो इतना महंगा सोच सोच के खाना बनाना पड़ता है कि क्या करें क्या ना करें। पहले बिंदास मक्खन खाया करते थे, देसी घी खाया करते थे, तो सरसों का तेल खरीदते हुए सोचना पड़ता है खरीदें ना खरीदें। सारा दिन सुबह निकलो शाम को आओ, उसके बाद भी अगर जबकि पूरी सैलरी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, एट द एंड ऑफ द डे वो खत्म हो जाती है, कुछ होता ही नहीं है, बचता ही नहीं है ना। तो आपने देखा कि लोग जो हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं इस आम बजट से, लेकिन ज्यादातर लोगों की ऐसी संख्या है जो काफ़ी नाराज़ भी दिख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी को जो है वो अगर मध्यम वर्गीय की बात करें तो उनको इस बजट में कुछ नहीं मिला है, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि ये जो आम बजट इस साल आया है ये लॉन्ग टर्म में पूरे देश को जो है वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदेश यादव, न्यूज़ पॉइंट।